दोस्तों, यदि आप किसी का भी लोकेशन ट्रैक करना चाहते हो और आप चाहते हो कि सामने वाले को पता भी ना चले, तो गूगल मैप में एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप किसी का भी लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हो और उसे पता भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि आपको सामने वाले का फ़ोन लेना है सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के लिए, और उसमें आपको गूगल मैप ओपन कर लेना है। गूगल मैप ओपन करने के बाद आपको उसके लोगो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, लोकेशन शेयरिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको शेयर लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको किसी पे भी सेंड नहीं करना, ना ही गूगल पे, ना ही क्रोप पे, ना ही व्हाट्सएप पे। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर साइड में आना है, थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है अपना नंबर, जिस नंबर पर आपको अपना लोकेशन सेंड करना है। तो यहाँ पर आपको अपना नंबर लिखना है, अपने नंबर से ही आप किसी का भी लोकेशन ट्रैक कर पाओगे। तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा, आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ सेंड का ऑप्शन आ जाएगा, सेंड पे क्लिक कर देना है। अब आप रिडायरेक्ट हो जाओगे मैसेज वाले ऑप्शन पे, अब यहाँ से आपको ये मैसेज सेंड कर देना है। अब दोस्तों ये मैसेज सेंड करने के बाद यहाँ से आपको ये मैसेज डिलीट करना होगा। अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो सामने वाला देख लेगा और उसको पता चल जाएगा कि कोई उसका लोकेशन ट्रैक कर रहा है। तो सिंपल यहाँ से आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। इसे डिलीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, उसका फ़ोन उसे वापस दे देना है। अब दोस्तों एक चीज़ तो आपको पता ही होगा कि टेक्स्ट मैसेज में कुछ भी भेजने के बाद अगर सामने वाला डिलीट कर देता है तो आपके फ़ोन से वो डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर आप इसे देख सकते हो कि मैंने उसके फ़ोन से मैसेज डिलीट कर दिया, फिर भी यहाँ पर ये दिख रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा, आपको विजिट वेब पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप विजिट वेब पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये गूगल मैप पे रिडायरेक्ट कर देगा, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। अब आप देख सकते हो कि उसका लाइव लोकेशन क्या है। यहाँ पर आपको उसके फ़ोन की बैटरी परसेंटेज भी देखने को मिलेगा और वो कितनी देर में कितना मूव करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसी का भी लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।